और 23 मई को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रदीप भंडारी जुड़ गए, जन की बात के फाउंडर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देश भर में घूम चुके हैं, देश की नब्ज को टटोलने का काम किया है और हर एक राज्य की सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि छठे चरण का मतदान आज खत्म हो गया, 60% मतदान हुआ है देश भर में और पश्चिम बंगाल में 80% तक मतदान हुआ है। जो देश भर का जो ये 59 सीटें थी इनका जो मतदान है उसको आप किस तरह से आंकते हैं, वो किसके पक्ष में जाएगा जो ये मतदान का प्रतिशत है, और जो पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो मतदान 80 सीटों पे हुआ है वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फेवर के अंदर जो ग्राउंड पल्स देखने को मिली है, ये वही सीटें थी जो 2014 में कुछ पहले समय ही टीएमसी जीती थी और इन्हीं ये वही सीटें हैं जिसमें पंचायत चुनाव के बाद से बीजेपी का काफी स्ट्रांग अवसर देखने को मिला था। ये वही सीटें जहाँ पे लेफ्ट का जो पूरा का पूरा वोट है वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये अगर जो बाहर वोटर निकला है और अगर बूथ के अंदर रिगिंग नहीं हुई और जेन्युइन वोट हुआ है तो ये ज्यादातर मुझे जो लग रहा है कि ये चेंज वोट की तरफ इशारा है, स्पेशली झारग्राम, पुरुलिया, मेदिनीपुर और बांकुरा की चार सीटों के ऊपर। अब बात करूं बाकी जगह पे तो अगर आप देखें दिल्ली के अंदर जो वोटिंग हुई है पिछली बार से 2-3% कम हुई है, अब उसमें भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी डिवाइडेड वोट होगा, तो इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके तरफ जा सकता है। हरियाणा में 3 सीटें जो बंपर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए हुई है, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल की घड़ी है ये जो बंपर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।